वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेक्नोजॉयलॉजी में और एक बार आपको स्वागत है। अगर आप वन प्लस 12 बार यूज करते हो तो भाई आपको अपना पूरा पैसा वापस मिलने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वन प्लस की वेबसाइट में या फिर वन प्लस की कम्युनिटी फोरम में वन प्लस के जो सीईओ है उन्होंने खुद ही डाला है और ये बताया है कि 16 मार्च तक आप वन प्लस से वन प्लस 12 बार खरीदने में आपने जितना भी पैसा पे किया चाहे वो डिस्काउंट के साथ हो या फिर डिस्काउंट के बाहर में हो आपको पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, आज की वीडियो में उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। If you are using OnePlus 12 bar right now, then you are facing too much problem. Am I right? तो इस वीडियो में मैं इन सारे problems को solve करने वाला हूँ और अगर आपको पूरा पैसा वापस भी मिल जाता है, वो कैसे आपको return करना है, वो सब कुछ process आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको पूरा पैसा मिलने के बाद इट्स मीन्स OnePlus 12 bar आपको फ्री में मिल जाएगा, मतलब आपको तो पैसा देना ही नहीं पड़ा। बट इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। well, चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते। अब मामला क्या है मैं थोड़ा सबसे पहले बता देता हूँ। देखो OnePlus एक बहुत ही बढ़िया जेन्युइन कंपनी है एंड मैं अपने छोटे उम्र से ही, जब तक मैं YouTube में हूँ तब से ही देखता हुआ आ रहा हूँ कि OnePlus एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। अभी चलो वो लोग प्रीमियम फोन्स लॉन्च कर रहे थे, बहुत ऊपर चले गए थे, कार्ल पेज ही तब सीईओ थे, बट अभी किंडल ल्यू है OnePlus के सीईओ। तो उन्होंने क्या किया, ओप्पो के साथ इन लोगों ने कोलाबोरेशन किया, देन क्या हुआ ओप्पो के साथ मार्ज हो गया। मार्ज होने के बाद अभी OnePlus रियलमी ओप्पो जो है अभी सब ब्रांड है सभी सबके। तो अभी ऐसा हो रहा है कि कलर ओएस जो था ओप्पो का वो OnePlus में आ गया है। ऑक्सीजन ओएस तो चला गया, नाम का ही ऑक्सीजन ओएस है। तो अभी भी बहुत सारे लोग परचेस करते हैं OnePlus के फोन्स, अभी भी मार्केट में उनका दबदबा है। बट रिसेंटली OnePlus 12R इंडिया में लॉन्च हुआ, मतलब 12 का ही छोटा भाई आप बता सकते हो। एंड उस फोन के अंदर इन लोगों ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया था जो कि UFS 4.0 के साथ आता था। अब UFS 4.0 क्या है आपको शायद पता नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक स्टोरेज टाइप होता है जो कि अपने फोन में स्टोरेज टाइप होता है, मतलब कितना स्पीड से कितना स्पीड तक आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो उस में ना बहुत सारे टाइप होते हैं, EMMC होते हैं एकदम नॉर्मल फोन्स में, UFS 1 होता है, UFS 2.0 होता है, UFS 3.1 होता है एंड UFS 4.0 होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर जितने भी पोस्टर्स निकले लॉन्च होने से पहले उस टाइम पे उन्होंने उसमें UFS 4.0 लिख दिया। जबकि OnePlus 12 बार इंडिया में लॉन्च होने के बाद इस फोन में जो भी टेस्टिंग वगैरह किए गए हर एक जगह पे या फिर हर एक फोरम्स में देखा गया कि OnePlus 12 बार के अंदर UFS 3.0 या फिर 3.1 कुछ भी एक में भी हो सकता है। अब सोशल मीडिया का टाइम है भाई, सभी लोगों को पता है एक खबर अगर लीक हो जाता है तो भाई वो आग की तरह फैलने लगता है चारों तरफ। तो हुआ ये कि OnePlus को सभी लोग हेट करने लगे एंड बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह फोटोज वगैरह अपलोड होते रहे, धर करते एक दिन में ही बहुत सारे बदनामियां झेलना पड़ा OnePlus को। ऐसे में सीईओ जो थे उन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च वगैरह करके देखे, हाँ भाई ये चीज जो है वो गलत हो रहा है। और उन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया, आप देख सकते हो उनके कम्युनिटी फोरम के अंदर एक फॉर्म निकला है। अब इस फॉर्म में आपको 3 स्टैंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने बताया थैंक यू फॉर पेशेंस, बहुत सारी चीज लिखे गए हैं बट आप सेकेंड स्टैंजर को पढ़ सकते हो। लास्ट फ्यू डेज से इन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, ऑल्सो जो यूजर्स है उन लोगों ने भी फेस किया आफ्टर परचेज, बिकॉज भाई एक पैसा देने के लिए यूएफएस 4.0 देख के अगर आप परचेस करते हो एंड खरीदने के बाद बॉक्स खोल के देखते हो कि इस फोन में तो 3.1 है, तो बहुत जगह पे ना आपको भाई खराब लगेगा कि यार ये मैंने क्या खरीद लिया, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब रिटर्न नहीं कर सकते, आपका पैसा पानी में चला गया, ये सबको झेलना पड़ रहा है। तो इन लोगों ने यही लिखा है फॉर्म के अंदर, सीईओ साहब लिखे है देख सकते हो, इफ यू हैव रिसीव अ OnePlus 12 bar 256GB वेरिएंट एंड वांट टू डिस्कस द सिचुएशन विद द फाइल सिस्टम टाइप ऑन योर फोन प्लीज कॉन्टेक्ट द कस्टमर सर्विस थ्रू योर यूजुअल चैनल। मतलब आपके घर के आसपास में या पर कहीं पे भी आपका कॉन्टेक्ट अगर होता है OnePlus सेंटर से तो आप करो, ये इन लोगों ने लिखा है। और फुल जो पेमेंट है उसको वापस मांगो 16 मार्च तक, मतलब आपको 16 मार्च तक टाइम दिया जा रहा है, जो सीईओ है उन्होंने ही रिवील किया ये जो फॉर्म है। एंड 16 मार्च तक आप या फिर हो सके कंपनी से बात करो, क्योंकि OnePlus की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, इंडियन वेबसाइट पे उनके नंबर्स वगैरह, आप ऑफिशियल कॉल वगैरह करके बात कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे चाहो तो बात कर सकते हो या फिर आप ट्वीट कर सकते हो OnePlus इंडिया को कि मेरा पैसा वापस चाहिए, आपको मांगने का पूरा हक है इस फोन का। तो OnePlus क्या करेगा, 16 मार्च तक जितने भी फॉर्म फिलअप होंगे या फिर वो लोग कुछ करने वाले आगे जाके, खैर ये जो न्यूज है ये आज ही निकला है उसके बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा, देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता नहीं। अभी 16 मार्च आने में टाइम भी है बहुत, बिकॉज अभी डेट जो है 18 फरवरी चल रहा है। सो हर वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट ये 16 तारीख तक है और आपको जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है, टाइम टू टाइम लेके ये काम करना है। अगर पहले से करके रखते हो तो भाई आपको पहले पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है,
सभी को पेमेंट जो है एक ही टाइम पे रिलीज किया जाएगा और वो मे बी यूपीआई के थ्रू या फिर अपने बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा न्यूज है जो कि मुझे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ना, अभी ये तो खबर निकला ही है बस। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, ऑल्सो जो लोग इस वीडियो को अभी देख भी रहे हो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स, तो वो लोग इस न्यूज को अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहां पे भी सोशल मीडिया है आप वन प्लस 12 बार खरीदा है कोई, उसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अगर पहली बार आए हो भाई, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे यार। एक चीज तो बहुत अच्छा लगा लास्ट में बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने लिख के रखा है फॉर्म के अंदर लास्ट में ट्रस्ट इन अस, मतलब इन लोगों को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। फुल रिफंड मिलने के बाद मे बी क्या होता है, पूरा फोन ही आपका हो जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, तो एक फोन फ्री में मिल जाता है। तो अगर आपको एक फोन फ्री में मिलता है तो आप सिंपली एक काम तो कर ही सकते हो, वन प्लस इंडिया को थैंक यू करके एक रिट्वीट कर सकते हो। ये मुझे लगता है करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको रिफंड मिलता है तो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया, और एक फोन आप खरीद सकते हो या फिर अपना पैसा वापस आ गया तो आप उसको सेविंग्स भी कर सकते हो। सो 16 मार्च तक टाइम है, एंड इसके ऊपर और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, जो प्रोसेस वगैरह है वो सब कुछ बताऊंगा। बाय द वे आप कांटेक्ट कर सकते हो कंपनी से, जो अपने लोकल चैनल्स है उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड बात कर सकते हो उनसे कि मैंने 12 बार परचेस किया एंड आपने ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ, जो जो भी फलाना ढिकाना जो भी होता है वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। देन वो लोग वेरीफाई करके आपका अकाउंट नंबर लेंगे, देन आपको पेमेंट करेंगे, मे भी हो सकता है जैसे कि फॉर्म में लिखा गया है। वेल आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, ऐसा ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और भी देता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जाके और भी एक वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, मिलता है दूसरे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।